हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप मैं आप सभी का चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड फिर से आपके लिए न्यू डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये पत्ती की सेप में देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। बनाना एकदम इजी है, विंगनर भी आराम से बना सकते हैं आप। इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, लेडीज़ कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, शॉल में और प्रोजेक्ट में, ये सब बन के बहुत ही अच्छा लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 16 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लीजिए, आपका डिज़ाइन एकदम सही आएगा। टोटल हमारा एक पत्ती यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 रो में कंप्लीट होती है। अब फ्रेंड्स बैक से कुछ इस तरह दिखता है ये, और फ्रेंड्स इस तरह देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, जल्दी जल्दी बन जाता है। आप एक बार ज़रूर बना के देखना, अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। दो डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी, 32 प्लस 3 फंदे, इसमें टोटल 35 फंदे ले रखे हैं। अब मैं आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। पहला फंदा उतार लेंगे, यहाँ से हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे, दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, फिर सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात फंदे सीधे, दो चार छः और ये सात, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन। यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह यही सही 16 फंदे। अब यहाँ से फिर से हमने सेम रिपीट तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे सीधे हो गए, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे और सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, सात फंदे सीधे, सात फंदे सीधे हो गए, फिर तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे उल्टे, फिर लास्ट में ये दो फंदे, ये तीन फंदे बच गए, ये सीधे सीधे ही आएंगे हमारे। इस तरह हमारी पहली सिलाई कंप्लीट होगी। बैक सिलाई है, सेकंड रो है। अब हमने जो वहाँ से उल्टे बुने थे उनको सीधा बनाने, तीन फंदे हम सीधा बनाएंगे और ये तीन फंदे जो उल्टे थे उनको बैक से सीधा बनाएंगे, जो सीधे थे उनको उल्टा, जो उल्टे थे उनको सीधा। अब ये तीन फंदे सीधे हो गए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, सात फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, फिर तीन फंदे इसी तरह सीधे करेंगे। इसी तरह आपके जितने भी फंदे हैं आपने इसी तरह बनाते जाना है आगे को, फिर ये तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर ये तीन फंदे सीधे, फिर यहाँ से सात फंदे उल्टे। इसमें मेरे दो डिजाइन बना के दिखा रही हूँ आपको, 32 फंदों में दो डिजाइन प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा है हमारे। देखिए तीन दो छः सात हो गए यहाँ तक, अब ये तीन फंदे उल्टे हैं, ये सीधे हो जाएंगे, लास्ट के तीन फंदे उल्टे ही बने जाएंगे। मैं बना लेती हूँ फिर दिखा। देखिए फ्रेंड, दो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, तीसरी सिलाई है। पहला फंदा उतारेंगे, ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा, जाली डालेंगे, ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा दो का एक कर देंगे और ये जाली डालेंगे, फिर यहाँ से ये दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं इनको तो उल्टा ही बनाएंगे, इसमें से भी एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तीन उल्टे हो गए और फिर एक दो
तीन, चार, पाँच। फिर हमने देखे यहाँ से भी एक फंदा कम करना है इसमें से, तो इधर का एक फंदा इधर से उल्टा कर देंगे इस साइड से भी। ये तीन फंदे हमारे उल्टे हो गए इस साइड से, एक सीधा फंदा हमने उल्टा बना दिया, अब ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा दो का एक कर देंगे इस तरह। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, यहाँ पे डबल जाली आएगी हमारी, बीच सेंटर में है। अब इस साइड भी घटाएंगे हम, यहाँ पे जाली डाल देंगे और दो का एक कर देंगे। एक ये तीन उल्टे थे, एक उल्टा हमने घटा दिया है, ये दो उल्टे बनाएंगे और इधर के सात फंदों में से एक उल्टा फंदा इधर कम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे उल्टे फंदे सीधे फंदे एक दो तीन चार और ये पांच बच जाएंगे सीधे फंदे, पहले सात थे। अब इस साइड भी सेम होगा उसी तरह, ये उल्टा ये सीधा फंदा उल्टा हो जाएगा और ये तीन फंदे उल्टे फंदे हमने हर बार तीन तीन ही रखने हैं और ये सीधे फंदे कम कर रहे हैं। यहाँ पे जाली डाल देंगे और ये फंदा सीधा बना देंगे। बहुत इजी डिजाइन है, लगता बहुत सुंदर है। अब यहाँ से इस तरह थर्ड रो कंप्लीट होगी। अब फोर्थ रो है बैक साइड से, सेम ही करना है, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है, जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाएंगे। ये जो जाली से बड़े हुए फंदे हैं इनको उल्टा ही बनाएंगे, बाकी जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाएंगे। जो जैसे दिखेगा उसी तरह हमने बनाना है। ये हर बार हमने तीन तीन सीधे बनाने हैं, बाकी ये फंदा जो जैसे दिख रहा है उसी तरह बनाने हैं। जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा, जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा। एक यहाँ से सीधा हो जाएगा। इसी तरह मैं बैक सिलाई, जो जैसे दिख रहा है जाली वाले फंदे उल्टा बनाना है, जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा, जो सीधा दिख रहा है सीधा बना लेती हूँ पूरी सिलाई, फिर दिखाती हूँ। इस तरह हमारी ये फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। ये फिफ्थ रो है, सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे। अब जाली हमने जो ये जाली वाला फंदा है इसके यहाँ पे जाली डाल देंगे, तो जाली हमारी इस साइड पर आ गई। अब ये फंदा इस तरह सीधा करके ये उल्टा फंदा एक उल्टा और सीधा दो का एक कर देंगे। ये एक फंदा उल्टा बना लिया, इसको भी उल्टा ही बना लेंगे और ये एक फंदा उल्टा, तो तुम्हारे टोटल तीन फंदे उल्टे हो गए। फिर यहाँ से एक दो और ये तीन, तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर ये फंदा उल्टा बना देंगे क्योंकि यहाँ ये फंदा उल्टा बना दिया क्योंकि हमने ये उल्टा फंदा घटाना है, तो हमारे तीन फंदे उल्टे होने चाहिए। तो ये तीन फंदे और दो तीन हो गए, ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा, दो फंदों का एक करेंगे सामने से सिलाई डाल के, दो फंदों का एक करेंगे और ये फंदा सीधा करेंगे और यहाँ पे जाली डाल देंगे। फिर यहाँ पे जाली डाल देंगे और ये फंदा इस तरह सीधा कर देंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने यहाँ पे जाली डाल दी और ये दो का एक कर लिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से तीन फंदे उल्टे, ये दो फंदे तो उल्टे हमारे हैं ही और ये इसमें से सीधे फंदे में से एक फंदा उल्टा बना देंगे। फिर तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फिर यहाँ से ये सीधा फंदा इस साइड से भी उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ भी हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा दो फंदों का एक करेंगे और ये फंदा सीधा बनाएंगे और यहाँ पे जाली डाल देंगे और ये दो फंदे सीधे बन गए हमारे। इस तरह ये पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये सिक्स रो है बैक साइड से, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है फ्रेंड। जाली से बड़े हुए फंदे तो हमने सारे उल्टे ही बनाने हैं। ये फंदे हमारे उल्टे आएंगे और पीछे बैक से हमने ये दो फंदे सीधे और ये वाला फंदा भी सीधे, ये तीन फंदे हमने सीधे करते जाने हैं और ये अब हमारे तीन फंदे सीधे रह गए हैं।
के लिए तीन फंदे। इसी तरह बैक सिलाई मैं बना लेती हूँ। पूरे जाली वाले फंदे हमने सारे उल्टे ही बनाने हैं, जो जाली से फंदे पड़ रहे हैं हमारे, ये सारे उल्टे बनाएंगे। इसी तरह पूरी सिलाई बना के फिर सीधी सिलाई मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये रो 7th है हमारी सीधी साइड से। पहला फंदा उतार के ये फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ये जाली जो हमने डाली पहली जाली जाली उसमें ही जाली डाल देंगे। यहाँ से दो फंदे सीधा करके, ये फंदा सीधा करके, ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा, तीन का एक कर देंगे, दो का एक कर देंगे। फिर यहाँ से ये एक, ये दो, तीन, तीन फंदे उल्टे बना देंगे। फिर ये एक फंदा सीधा जाएगा और यहाँ से ये एक, ये दो, तीन फंदे उल्टे। फिर इस सेम इसी तरह से ये उल्टा फंदा और सीधा फंदा दो फंदों का एक कर देंगे। फिर यहाँ पे ये जाली से बड़े बड़े दो फंदे सीधे बनाएंगे। फिर ये जाली हमने बीच वाला जो पड़ेगा सेंटर में जाली डालनी है, सेंटर वाले फंदे के दोनों साइड जाली आएंगी। बड़े हुए फंदे ये फंदा सीधा करके उल्टा फंदे के साथ दो फंदों का एक कर देंगे इस तरह। फिर सेम उसी तरह से दो तीन फंदे ये सीधा फंदा हम उल्टा कर देंगे, तो तीन फंदे उल्टे हो जाएंगे, ये उल्टे फंदे तीन हो गए। ये एक फंदा हमारा जो सात है, सातों में से एक फंदा सीधा रह गया, बाकी सारे फंदे हमारे घट गए। इसी तरह फ्रेंड्स आपको आगे बढ़ाते जाना है इस डिज़ाइन को। जैसे हमने यहाँ तीन उल्टे सीधे बनाए, तो फिर आपने उसके बाद फिर तीन उल्टे, फिर सात सीधे, फिर तीन उल्टे, इसी तरह आपको आगे डिज़ाइन बनाते जाना है। इस तरह हमारी ये देखिए डिज़ाइन दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा, आधी डिब्बी बन गई है हमारी। ये 8th रो है बैक साइड, सेम उसी तरह से जो फंदा जैसे दिख रहा है उसी तरह बनाना है। मैं बना के फिर दिखाती हूँ आपको सीधी सिलाई। देखिए फ्रेंड 8th रो हमारी इसमें कंप्लीट हो गई है। ये देखिए आधी डिब्बी हमारी बन गई है। अब जो डिज़ाइन हमारा यहाँ पे था वो यहाँ, ये जाली वाले डिज़ाइन हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा और ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो ये 9th रो से हमारा ये डिज़ाइन शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहला फंदा उतार के यहाँ से चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार, ये चार फंदे सीधे हो गए। यहाँ से हम देखिए दो चार सीधे हो गए, यहाँ से तीन उल्टे बनाएंगे, एक दो और ये तीन, ये तीन फंदे उल्टे हो गए। फिर ये तीन फंदे, एक जो सेंटर का बीच का बचा है, ये तीन फंदे हमारे सीधे आएंगे, एक दो तीन, जो हमने फर्स्ट रो डाली थी उसी तरह दोबारा से डल रहा है, एक दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे हो गए। फिर यहाँ से सात फंदे सीधे होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, ये सात फंदे सीधे हो गए। फिर यहाँ से तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, एक दो तीन, फिर सेम रिपीट। फिर देखिए इसी में आ गया एक फंदा सीधा है, तो इसके साइड दो फंदे, दो फंदे, दो फंदे सीधे हो जाएंगे। तो तीन फंदे हमने तीन उल्टे तीन सीधे, फिर तीन उल्टे, एक दो और ये तीन, तीन उल्टे हो गए। फिर यहाँ से चार सीधे, एक दो तीन और ये चार, ये लास्ट का अष्ट फंदा है, इसको सीधा बना लें। ये देखिए हमने चार इसलिए यहाँ पे रखे हैं क्योंकि सेंटर में तो हमारे सात फंदे होते हैं, क्योंकि दोनों साइड से घटते हैं, तो इसमें एक साइड से ही घटेंगे तो हमारी चार फंदे हैं। अब इसकी बैक साइड, बैक साइड है फ्रेंड सेम ही करना है। ये फंदे जो सीधे हैं उनको तो उल्टा ही बनाएंगे जैसे पहले बनाया था। 10th रो है, ये सारे फंदे सीधे आ जाएंगे और ये फंदे तीन उल्टे, सॉरी सीधे जो वहाँ से उल्टे हैं इनको बैक से सीधा करेंगे, तीन सीधे हो गए। फिर यहाँ से ये
एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, फिर यहाँ से तीन फंदे, ये तीन उल्टे, फिर ये तीन सीधे, फिर यहाँ से सात उल्टे आ जाएंगे। सात उल्टे इसी तरह मैं बना देती हूँ। तीन सीधे, जो जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है, तीन सीधे तीन उल्टे। देखे पे टेंथ रो कंप्लीट होगी, ये है इलेवेंथ रो। अब हमने सेम ही करना है, अब यहाँ हम जाली नहीं डालेंगे, अब ये वाले फंदे हमारे घटेंगे जो सीधे हो रहे हैं, पहले हम जाली से पढ़ा रहे थे, अब ये सीधा फंदा उल्टा हो जाएगा। एक दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे हो गए, ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा, दो फंदों का एक करेंगे और ये सेंटर वाले फंदे पे जाली डालेंगे, यहाँ पे जाली आ जाएगी। इस साइड का फंदा भी सीधा करते हुए उल्टा फंदे और सीधा फंदा दो का एक करेंगे, यहाँ पे डबल जाली आ गई हमारी। फिर यहाँ से तीन फंदे उल्टे, एक और ये दो, और ये सीधे फंदे में से उल्टे बना लेंगे, तीन हो जाएंगे। पांच फंदे सीधे करेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, और ये एक सीधा फंदा उल्टा कर देंगे हम, क्योंकि वहाँ से हमने एक उल्टा फंदा घटाना है। बहुत इजी डिजाइन है फ्रेंड, लगता बहुत सुंदर है, बिगनर भी आराम से बना सकते हैं। ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा दो का एक कर देंगे, एकदम इजी है, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, सब में बन के बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर डबल जाली आ जाएगी, एक जाली और इस साइड भी घटाते हुए दो का एक करते हुए जाली डाल देंगे। फंदे हमारे उतने ही रहेंगे, कहीं पे घटेंगे बढ़ेंगे नहीं जितने हैं, क्योंकि जो फंदा जहाँ से घट रहा है वहीं पे बढ़ भी रहा है। फिर लास्ट के फंदे तो सीधे ही बनाने हमको, तो इनको सीधे बना लेंगे। अब इसकी है 12 रो है, बैक साइड सेम ही करना है हर बारी की तरह ही, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे, जो उल्टे दिख रहे हैं उसको उल्टा बनाएंगे, जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा। ये दो सीधे दिख रहे हैं और ये वाला फंदा अभी हमने सीधा बनाना है, तो इसी तरह मैं आगे बना लेती हूँ। जाली वाले फंदे तो उल्टे बनाएंगे, जो जैसे दिख रहा है, यहाँ पे ये फंदा सीधा कर देंगे, ये दो सीधे दिख रहे हैं इसको भी सीधा कर देंगे। मैं बना लेती हूँ, फिर 12 रो हमारी कंप्लीट होगी, रो 13 है। यहाँ से ये फंदे हम सीधा बना लेंगे, अब ये फंदा जो सीधा दिख रहा है इसको उल्टा बना लेंगे, एक दो और ये तीन फंदे उल्टे हो गए, अब ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा दो का एक कर देंगे। अब ये जो जाली बड़ा से फंदा बड़ा है इसको सीधा बनाएंगे और जाली सेंटर वाले फंदे पे डालेंगे, जहाँ पे हमने पहले डाली थी उसी जगह जाली डालेगी, और ये फंदा सीधा करके ये उल्टा फंदा और ये दो का एक कर देंगे। फिर यहाँ से एक दो तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर यहाँ से अभी एक दो तीन फंदे सीधे आ जाएंगे। टोटल हमारा 16 रो का डिजाइन है, वैसे 8 रो के बाद हमारा दोबारा रिपीट हो जाता है, लेकिन पूरी पत्ती हमारी 16 रो में बनती है। यहाँ पे फिर से ये एक उल्टा एक सीधा दो फंदों का एक कर देंगे, फिर ये फंदा सीधा बनाएंगे, जाली सेंटर वाले फंदे पर बनेंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे। मैंने आपको दो डिजाइन बना के दिखाए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, यहाँ पे दो का एक कर देंगे। जब आप किसी प्रोजेक्ट में डालें तो आराम से डाल सकेंगे, समझ में आ जाएगा कि हमें आगे डिजाइन कैसे बढ़ाना है। बहुत ही डिजाइन है, बिगनर भी आराम से बना सकते हैं और जल्दी जल्दी बन जाता है ये डिजाइन। और यहाँ पर तीन फंदे सीधे बना देंगे, अब एक बार ज़रूर बना के देखना, बहुत ही सुंदर लगता है ये, देखिए इस तरह बन के आ रहा है। अब बैक सिलाई है इसकी 14 रो, तो सेम ही करना है फ्रेंड, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे, जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाएंगे, जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाएंगे। यहाँ पे ये फंदा हमारा सीधा हो जाएगा, फिर ये तीन फंदे सीधे कर देंगे बैक से। इसी तरह पूरी बैक सिलाई बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ सीधी सिलाई में। रो हमारी कंप्लीट होगी, ये रो 15 है, सीधी साइड से पहला फंदा उतार के एक फंदा सीधा बनेंगे, ये फंदा सॉरी इसको हम उल्टा बना देंगे,
अब यहाँ से दो फंदे उल्टा बना देंगे, तो टोटल तीन फंदे उल्टे हो गए, और ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा दो का एक कर देंगे। जाली से बड़े हुए दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, सेंटर वाले फंदे पे जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे भी जाली टांग लेंगे, जाली से बड़े हुए ये दो फंदे सीधे करेंगे बनाएंगे, और यहाँ पे ये फंदा सीधा करते हुए दो का एक करेंगे, दो फंदे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो, और एक ये सेंट ये सीधा फंदे को भी उल्टा बनाएंगे, एक फंदा हमारा सीधा रह जाएगा क्योंकि हमारा ये लास्ट 16 रो में हमारा डिजाइन पूरा हो जाता है, ये 15 रो है हमारी, तो हमारी इस तरह एक पत्ती बन के आई, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे दो का एक कर दिया और ये दो फंदे सीधे बना लेंगे, और यहाँ पे जाली डाल देंगे, यहाँ पे भी जाली डाल के ये फंदा इस तरह सीधा करेंगे, ये उल्टा और सीधा दो का एक कर देंगे। अब यहाँ से तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो, और ये सीधा फंदा भी उल्टा बनाएंगे, तीन हो गए, ये दो फंदे सीधे, इस तरह देखिए कितना सुंदर बन के आया ये डिजाइन, बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड। ये देखिए ये यहाँ पर हमारी एक पत्ती ये वाली पूरी हो गई है, ये आधी यहाँ पे, आधी यहाँ पे, अगले बार जब बनाएंगे तो फिर ये दो पत्ती हमारी पूरी हो जाएगी इस तरह। अब ये बैक सिलाई पूरी जो जैसा दिख रहा है वैसी बनाना है, मैं बना के फिर दिखाती हूँ फ्रेंड। इस तरह हमारा ये एक डिजाइन बन के कम्प्लीट हो गया, एक पत्ती यहाँ से यहाँ का बन के रेडी है, कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बच्चों के स्वेटर, जेंट्स के स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, छोटी छोटी सी पत्ती सी बन के आती है, बहुत ही सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। अब आपको वही फर्स्ट रो दोबारा से रिपीट करनी है जैसे हमने पहले डाला था। तो देखिए कैसे डालेंगे एक बार बता देती हूँ आपको। पहला फंदा हम उतार लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे हमने सीधे बनाए थे, सॉरी दो फंदे तीन हो गए, एक ये उतार दिया, दो फंदे सीधे, यहाँ से तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन, तीन उल्टे सात सीधे, एक दो तीन, जाली के वाले के ऊपर सीधे फंदे आ जाएंगे, चार पाँच छः और ये सात, ये सात फंदे सीधे हो गए, फिर एक तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे हो गए, फिर तीन फंदे सीधे आ जाएंगे, जहाँ पे ये सेंटर में एक फंदा सीधा दिख रहा है इसके ऊपर फिर से यहाँ पे जाली आ जाएगी, ये जाली फिर इसके ऊपर आ जाएगी, फिर जब आप पूरा बनाओगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये, फिर से तीन फंदे उल्टे, फिर सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, एक दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे और ये दो फंदे सीधे, लास्ट का ये फंदा भी सीधा, ये तीन फंदे सीधे हो गए। इसी तरह आपने आगे इसको बढ़ाते जाना है और आपका डिजाइन इस तरह बन के आएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लगता है, बैक से कुछ इस तरह दिखेगा ये और फ्रंट से इस तरह। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।